हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए क्वेश्चन बैक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है ना, 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी तरीका से और इसको और सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए, ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 37 है और इसके पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसमें कहा क्या गया है कि इसमें कहा गया है दोस्तों कि अवकल समीकरण इतना का हल कौन सा होगा। तो देखिए, इसका हम बताए थे, इसका हम पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में 2018 का ही एक और पेपर कराए थे, उसमें देखिएगा इसका मैं कितना बताया था इसका कि इसका जो होता है इसका निकालिएगा समाकलन तो टेन इनवर्स एक्स बटा वाई आता है। ठीक है, और इस वाई का आप करेंगे समाकलन तो वाई स्क्वायर बटे टू, और इस एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि ए एक वर्ग आव्यूह है तो ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ए क्या होगा, ये माइनस दिखा रहा है ना, यानी कि ये विषम सममित आव्यूह होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी इसका आंसर। और एफ सच डेट आर बिलोंग्स टू आर एक फलन हो तो ये एफ प्रतिलोम आर बिलोंग्स टू आर प्राप्त होता है तो f क्या होगा। तो बस इस तरह से जब भी r और बिलोंग्स टू r बोल रहा है, यानी एक 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 फलन को दर्शा रहा है, यानी एक एक आच्छादक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर c इसका आंसर। यदि y बराबर log रूट एक्स तो dy बाई dx निकालना है, तो देखिए इसका कैसे सोल्यूशन होगा। तो देखिए, मैं इसका सोल्यूशन कर दिया, y log x का क्या होता है 1 बटा x, तो x के रूप में रूट एक्स है, फिर एक बार रूट एक्स का करिएगा तो 1 बटा 2 रूट एक्स दो लिख दीजिए, रूट एक्स में रूट एक्स तो रूट खत्म यानी x हो जाएगा, यानी 1 बटे 2 रूट एक्स हो जाएगा इसका आंसर, यानी कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर। ठीक है, अगला सवाल, दो आव्यूह ए और बी गुणनफल के लिए शर्त है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ, ये नहीं होगा, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। ठीक है, अगला सवाल, समीकरण डी एक्स बटे डी वाई पी एक्स क्यू, यानी इसको अपोजिट दे रहा है, यानी नीचे डी वाई है, यानी वाई के सापेक्ष हो रहा है, तो यानी कि आपका हो जाएगा e के पावर p dy हो जाएगा, है ना, dy हो जाएगा। ठीक है, अगर ये dy ऊपर रहता dx नीचे रहता यहाँ पे py रहता तो इसका आंसर ये a नंबर हो जाता। ठीक है, और इसका बोल रहा है डेरिवेटिव क्या होगा, तो x के पावर n है, तो x के पावर n का आपको सूत्र बताया होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है कि ये जो दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ए का परिणाम तीन है, बी का परिणाम चार, सी का परिणाम पाँच, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया, तो बस फटाफट हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर मैंने निकाल दिया, तो इतना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए टू ए बी होता है ना, तो टू हम सब में से कॉमन काट लिए हैं, और यहाँ पे इसका दो तीन दिया था, इसका चार दिया था, इसका पाँच दिया था, इस सबका होल स्क्वायर बोला है तो होल स्क्वायर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे, स्क्वायर नौ हो जाएगा इसका, इसका सोलह, इसका पच्चीस, सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा पचास, ये दो तो सटा है गुना में, ये पचास इधर आ गया तो माइनस में चला गया, और इसको आप काटेंगे तो दो बार में कट जाएगा ना, पच्चीस बार में ये कट जाएगा, तो यानी कि आपका कितना हो गया, इधर माइनस पच्चीस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी इसको उलट के अब लिख देंगे तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया माइनस पच्चीस। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर। ठीक है, ये देखिए इसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान जीरो आएगा, देखिए कैसे आएगा, तो इसका भी सोल्यूशन मैं कर दिया हूँ, देखिए तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन कर दिया, ये देखिए इस तरह से अगर जब भी आपको मोड में दिखाई दे तो एक बार माइनस में आप लिख दीजिएगा मोड हटाकर, और एक बार प्लस में लिख दीजिएगा, तो देखिए मैंने माइनस में एक बार प्लस में, और ये वाला पहला लिमिट को यहाँ लिख दीजिएगा और दूसरा लिमिट को आप दूसरा लिमिट है ना यहाँ लिख दीजिएगा, और बीच में ऐसा अंक लीजिएगा ताकि यहाँ पर मान भरने पर जीरो हो जाए, तो जीरो ही भरने पर ये जीरो होगा, दूसरा कोई अंक नहीं, यानी तो जीरो रख लीजिए बस। अब इसको काटिएगा तो ये तो कट के एक आ जाएगा, यहाँ पे dx बच जाएगा, यहाँ पे इस कट के ये तो कट जाएंगे ना, यहाँ पे dx बच जाएंगे, यहाँ पे ये भी कट जा रहे हैं तो यहाँ पे dx बच जाएंगे। ठीक है, अब इस dx का क्या होता है, x और माइनस है, माइनस टू से जीरो, यहाँ पे जीरो से टू, और यहाँ पे x हो जाएंगे, इसका लिमिट एक बार जीरो भर देते हैं, एक बार माइनस टू भर देते हैं, यहाँ एक बार दो और एक बार जीरो। ठीक है, तो ये इसको ऐसे ही, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे दो
अब देखिए, दो से माइनस में गुना तो माइनस दो, और यहाँ प्लस दो, तो घट के कितना आ गया, जीरो। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि ए बराबर एक दो तीन कुल कितने संबंध की परिभाषित किया जा सकता है। तो ए में कितना दिया है, एक दो तीन, तीन अवयव है ना, तो ए क्रॉस ए निकालिएगा कुल, तो आपका तीन इसमें भी है, और इस ए को एक बार और करेंगे तो उसमें भी तीन, यानी तीन गुने तीन कितना हो जाएगा, नौ। यानी फार्मूला होता है ना, टू के पावर एम गुने एन होता है। तो एम का मान आपका तीन है, और एक और ए निकालेंगे, दूसरा भी लिखेंगे हम, ए ही लिखेंगे ना, तो वो भी तो एक दो तीन ही होगा, ठीक है ना, कुल निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी एम और एन दोनों का मान तीन तीन है, तो तीन गुने तीन कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, और टू के पावर नाइन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आऊँगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।